मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारा नया कानून हो या पुराना कानून हो, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। लेकिन अब हम साथ में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा अपना जो कानून बदल गया वो बदल गया, ठीक है। जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, टैक्स का भी हो गया कुछ लॉज, ठीक है, आर्म्स एक्ट हो गया, ये सब हम पढ़ते रहेंगे। जो नहीं बदला है वो हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो बदल गया उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ नए पर फोकस करेंगे अब हम, क्योंकि जुलाई से सिलेबस भी सबका चेंज है, जनरल पब्लिक के हित में भी अब वो नहीं है, क्योंकि जो बदल गया वो बदल गया, ठीक है। तो हम नए कानून को पढ़ेंगे। नए कानून को पढ़ने से पहले देखिए, हम जो आप तक जानकारी पहुंचाते हैं वो किताबी भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, क्योंकि हम एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों चीज़ों को देखते हैं कि किताब में क्या है, प्रैक्टिकल में क्या है, कितनी चीज़ें जो है वो काम की हैं और कितनी चीज़ें जो है वो काम की नहीं है। हालांकि काम की सब चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा काम की और कम काम की, ठीक है, हम वो बता रहे हैं आपको। देखिए, जैसे कि अभी आपको पता चला कि पूरा कानून बदल गया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जब आप IPC पढ़ रहे थे, पूरा याद होगा आपको, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, डिफिनीशन है, वो आप याद रखिए, ठीक है। BNS में जो IPC की जगह पर BNS आया है, सिर्फ 12 सेक्शंस मेरे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, हम लिंक भी दे देंगे, ठीक है। उस 12 सेक्शंस का आप क्लिक करेंगे, मेरे वेबसाइट पे चल जाएंगे। मेरा वेबसाइट है www.bookofneelaw.com, अभी नया है, ठीक है। तो जब उस पर क्लिक करेंगे आप, तो सिर्फ आपको वो 12 सेक्शंस जो मिलेंगे, बस वही बदले गए हैं, मतलब बदले नहीं गए, वही नए हैं। बाकी जो डिफिनीशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो सब सेम है, ठीक है। तो जो सेम है, सिर्फ उसमें नंबरिंग में बदलाव है, तो नंबरिंग तो आपको याद करना पड़ेगा अगर पूछता है तो, ठीक है। सिर्फ नंबरिंग बदला है, बाकी सिर्फ 12 जो है वही नए हैं, ठीक है। इस 12 को अगर आप देख लेंगे तो समझिए आपका BNS कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही जब BNSS जो कि CRPC की जगह आया है, सिर्फ 15 से 16 सेक्शंस, उसका भी हम लिंक आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे, सिर्फ वो 15 से 16 सेक्शंस आपको मिल जाएंगे, वही 15-16 सेक्शंस जो है वो एकदम नए हैं, वो आपको पढ़ना है, बाकी एज इट इज है, ठीक है। डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, सिर्फ नंबरिंग में बदलाव है मेरे हिसाब से, जहाँ तक हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है। अभी साक्ष्य अधिनियम हमने नहीं पढ़ा, एविडेंस एक्ट जो नया वाला है, साक्ष्य अधिनियम, वो अभी हमने नहीं पढ़ा, उसका कंपैरिजन नहीं किया है। कंपैरिजन करते ही हम उसको अपने वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे, और आपको तो हम यूट्यूब के माध्यम से जानकारी पहुंचाते ही पहुंचाते रहेंगे। कोई लीगल न्यूज़ आता है वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं, जो रिसेंट होता है, लीगल प्रोविजन से रिलेटेड होता है, ठीक है। और हम साथ में सेक्शंस पढ़ेंगे, जैसा कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं BNS में भी और BNSS में भी और साक्ष्य अधिनियम में भी, वो सेक्शंस वाइज भी हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमको मिला है, हाँ सेक्शन मिला है BNSS में, उसका सेक्शन का नंबर है 105, ठीक है। उसमें कहा गया है कि पुलिस अब जो कोई सामान सीज करेगी, ठीक है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी। मतलब कि अगर पुलिस, मान के चलिए पुलिस को गुप्त सूचना बहुत मिलती है, ठीक है, तो पुलिस को गुप्त सूचना मिली, पुलिस आपके घर पहुंच गई, जो यहां पर कोई आपत्तिजनक सामान है, ठीक है। जब आपत्तिजनक सामान है तो पुलिस क्या करेगी, सीधा आपके घर घुस के लिस्ट नहीं बनाना शुरू कर देगी कि ये पकड़ा गया, लिस्ट बना दिया, नहीं। अब पुलिस को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पहले ही कैमरा ऑन होगा, ठीक है, इस जगह पर ये सामान हम सर्च करने जा रहे हैं, और सर्च के दौरान ये सामान हम सामने में दिखाएगा, ठीक है, ऐसे पूरा कैमरा करके कि ये सामान यहां से बरामद हुआ है, ठीक है, एकदम कैमरा करके दिखाएगा। और जो रिकॉर्डिंग हो जाएगा उनके मोबाइल में, मोबाइल से ही करना है बेसिकली, मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग हो जाएगा वो तत्काल बिना लेट किए हुए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, जिनका नंबर उनके पास हो, जिनका भी उनके पास कोई लिंक हो, ठीक है, उन तक वो पहुंचा देना है, इन तीनों में से किसी के पास बिना देरी किए हुए। उसके बाद सीजर लिस्ट बनाना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस, सब पुलिस नहीं, कुछ तो हर जगह खराब होते ही हैं। तो वैसे पुलिस वाले क्या कर रहे थे ना, आदमी से पैसा मांगते थे नहीं देने पर, जैसे कि अब शराबबंदी है, कहीं पर पकड़ाया, किसी को छोड़ा, किसी को लपेट लिया, ठीक है, तो ये सब चीजें थी। तो ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग से कम हो जाएंगी, ठीक है, कैमरा बहुत बड़ा हथियार हो गया। और इस जो अभी नया कानून आया ना, इस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, मोबाइल को, रिकॉर्डिंग को, इन सब चीजों पर बहुत प्रेशर दिया गया है, ठीक है, इन सब चीजों को एक रिलायबल सोर्स माना गया है। तो
तो मेनली है कि आधुनिक जो हम लोग अभी जिंदगी जी रहे हैं इसको कानून के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो आई होप कि 105 सीआरपीसी आपको समझ में आ गया होगा। और बीएनएस में कितना सेक्शन नया है बताइए, 12 सेक्शन नया है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आप वहां पर क्लिक करेंगे, मेरे वेबसाइट पर पहुंचेंगे और वेबसाइट पर आपको वो 12 सेक्शन एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। वैसे ही हम एक और लिंक देंगे, उससे आपको बीएनएसएस यानी सीआरपीसी की जगह जो है उसका 15 से 16 सेक्शन मिल जाएगा। वही नए हैं, वही इनकॉर्पोरेट हुए हैं नए, बाकी पुराने ही हैं, सिर्फ नंबरिंग में अंतर है। ठीक है, और बाकी हमने जैसा कि आपको कहा कि साक्ष्य अधिनियम अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो पढ़ते ही उसमें क्या अंतर आया है वो भी हम आपको बताएंगे। और बाकी जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो हम आप तक शेयर करते रहेंगे वेबसाइट के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो प्रैक्टिकल करने का जो तरीका है, ठीक है, वो बहुत अलग है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। ठीक है, हम लोग क्लाइंट से जानते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या किताब में दिया गया है। क्योंकि देखिए, अब हम एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, हमने आपको क्या कहा कि 12 सेक्शंस आप पढ़ लीजिए, बाकी डिफिनीशन सेम है। क्यों कहा? क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर काम करना है, हमको लिटिगेशन में काम करना है, तो हमें सिर्फ देखना है कि वो 12 सेक्शन जो नहीं है उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी किताब तो हम लोग रोज पढ़ते हैं, पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन तुरंत में काम कैसे हो। ठीक है, तो ये 12 सेक्शन अगर आप पढ़ लेंगे तो सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये नया है, बाकी डिफिनीशन पुराना है, सिर्फ नंबरिंग बदल गया, सेम जैसा बीएनएसएस में भी। ठीक है, तो जैसे ही कोई नया न्यूज आता है वो हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, और सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 105 हमने कहा पुलिस से रिलेटेड है, तो हम आपको बता दिए कि रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा पुलिस को अब मोबाइल से, जुलाई से ये लागू होगा, ये भी हमने आपको बता दिया था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, या तो वो न्यूज होगा रिसेंट लीगल से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसा ही सेक्शंस होगा जो पुलिस और आपके बीच में संबंध बनाता हो। ठीक है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, उस तरीके का जो सेक्शंस है वो अब हम आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।